मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज। ललित पंडित जी आए थे लेकिन चले गए। जी जी दीपक जी आइए प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर अनिल बुराड़ा इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, कृपया मंच पर आए। जोड़ा तालियां नहीं चाहिए प्लीज, दो बिगेंट जोड़ा तालियां। अंजय भट्टाचार्य जी कृपया मंच पर आए। एंड शांता शाना है अच्छा, मैं चाहूंगा कि जो एल्बम रिलीज करना है प्लीज एल्बम लाया जाए। आइए अपने घर समझिए। शान ऊपर है क्या? शान कहां? अच्छा बाहर गया। एंड रिक्वेस्ट करूंगा अमन त्रिका साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमन भाई कम 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 आइए आइए। एक मिनट शाह है अरविंद जी कहाँ है? अरविंद जी प्लीज कम ना, अरे घर की बात है यार, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार। आइए आइए प्लीज। शान साहब कहाँ गए? बुलाओ भाई। ओके समीर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रिवील हो रहा है, आपने इतने सारे लोगों से इतनी सारी बात करते हुए देखी, थोड़ा सा समथिंग कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं चाहूंगा कि आज अनुराग पांडे जी ने महफिल को बहुत जमा दिया और आज सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे हैं और अपेक्षा म्यूजिक और अपेक्षा को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस। और ओरिजिनल्स लेके आ रहे हैं ये, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। अरे भाई वो हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है और बहुत दिल से खुशी होती है बिकॉज अभी एक अच्छी म्यूजिक कंपनी का आना बहुत जरूरी था और ये अपेक्षा फिल्म्स जो म्यूजिक कंपनी है, ये मैं समझता हूँ कि हम सबकी दुआएं इनके साथ रहेगी और सारे कलाकारों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई एम श्योर आई विश देम ऑल द सुपर बेस्ट। आई जस्ट विश हर के बेस्ट ऑफ लक, गिव अस सम मैड म्यूजिक एंड योर म्यूजिक इज रियली ऑसम। मैंने अभी दो तीन गाने सुने जो इन लोगों ने गाए, आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू हियर मोर। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को, अजय जी को, अपेक्षा एंड ऑल द ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। अनुराग जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। शुक्रिया जी। प्रतीक जी इसमें हमारे साथ में, प्रतीक जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोरदार तालियां प्रतीक जी प्लीज कम। यस यस सर जी। जैसा कि श्रवण भाई ने कहा कि एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत है और अपेक्षा का मतलब एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षा हैं अच्छे म्यूज़िक की। और मैं चाहूँगा कि इस उम्र में इतनी अच्छी सोच जो अपेक्षा ने रखी है, ऊपर वाला उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करें। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां। Like I think everyone already said everything, but wishing you all the luck, and we are all waiting for great music from you. Like we have, like he said, a lot of expectations as a platform and as artist and as you, the music giver. Thank you. Same thing, Samne sab kuch bol diya. Best of luck for Apeksha Music aur aapke gaane khub bahut hit ho, sab logon ko pasand aaye, aise hi dua. Thank you. बहुत बहुत बधाई। अपेक्षा म्यूज़िक की शुरुआत होनी चाहिए आज। हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत थी एक अच्छी कंपनी की और मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि ओरिजिनल म्यूज़िक प्रोड्यूस करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए ऐसा है कि आज की शाम बातें ही, ये इतना बड़ा आयोजन नहीं था, बहुत ही सिंपली आना था या करना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा वक्त ले लिया। आई थिंक हर इंसान का शौक होता है, मतलब यार मेरा शौक है कि मैं चाहता हूँ अच्छे गाने सुनूँ मैं, है ना। और ममता इससे मैं हमारे साथ में, तो ममता को ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। ममता प्लीज कमान एक गाना हो जाएगा प्लीज, जोड़ा तानी हो जी ममता के लिए कमान। अरे इतनी अच्छी आर्टिस्ट यहाँ पे आई है, कैसे छोड़ूंगा। कमान कमान कमान।
ये पांडे जी पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहे हैं। थैंक यू। सबसे बेस्ट गाना मुझे शाम से याद आ रहा है, मैं बताऊं आपको? प्लीज प्लीज। आप आपको इधर आना पड़ेगा कैमरे में, पक्का। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की सर जी, अरे करते ही रहते रेडियो की ड्यूटी। रेडियो में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीडी। थैंक यू। प्रतीक जी ऐसा ना करो जी, कलाकार अगर लिटरली ऑन द स्पॉट राइट नाउ, यस तैयार हो गए। दिस इज वन ऑफ माय सॉन्ग्स फ्रॉम माय फर्स्ट एल्बम, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स राइट नाउ। हमारे आंगना में मन मारा नाचे रे, पिया घर आया रे। हमारे आंगना में मन मारा नाचे रे, पिया घर आया रे। आया रे आया रे मारा पिया घर आया, आया रे आया रे मारा पिया घर आया। थैंक यू। और शान इसमें डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, उनका सर आप लोग रिव्यू कीजिए, मैं देख रहा हूँ। आइए। भाई फोटोग्राफर जितने सब प्लीज सेटिंग कर लीजिएगा, मौका बोला रहे ठीक। जय शायद कमाल। क्या बात है, गिव इट सोलह थाली होनी चाहिए, कमाल गॉड, क्या बात है। थोड़ा क्लोज आइए सर, अजय जी बस मेरे पास थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हॉस्पिटल थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you so much guys, first of all for being here, and it feels brilliant, I feel amazing. We actually started this company with a vision, and our vision was to give a lot of new talent a chance to come into Mumbai and show their talent to us. So this was our aim, and we want to bring in original music. Our music is more to originality and less to making remixes, and we are looking forward for all of you to listen to our music, and we want to bring in a lot of soulful music, so that is our motto. And yes, so we have Apeksha Films and we have media entertainment, we are doing it all. So how are you managing it? अभी क्या हो रहा है कि ड्राइव हो रहा है, इसको बंद करना है, तो फिर बीम रहा है। That's right. Okay, so first of all, we would be releasing in 4 songs. It is not easy. Of course, we're managing in a lot of stuff. We're managing a news channel, we're managing, a film side, we're managing even music. So right now we're concentrating on music, since I have a personal motto of bringing in a lot of good new music that would also include English.
So we are, we're looking forward to bringing a lot of original stuff. It was not easy to manage all of this, but I believe that, when we made these four videos, they were a very great experience and something new and, for all of us to experience. So I think the entire journey has been really great. And yeah. We have Shahid Maya. So tell us about these four original songs that we are releasing today. Okay. So I would like my father to answer that because he is the whole and soul. I think you only have. We have legends singing for our company, and it's a great pleasure. They supported us. They are supporting us. So the four songs that are going to be coming out today, one is sung by Shan, and the great legend Shan. He's one of the greatest singers, and we are we're highly obliged to have him around us and sing for us. He's one of the great and successful artists who have actually sang for us. Amongst them, we also have Shahid Malia, Kunal Ganjawala, who has sang a really soulful song. I really want you all to listen to it, and Mr. Nakash Aziz. So he's also sung a very nice song for us, and I think I would break in the further details to you a bit later. And there are about another 14 songs which are ready for release, so what next? Yes, there are 40 songs that are going to be coming up, and what's coming up next is going to be a surprise, just like how this was for all of you all. And we would be coming in with a lot of fresh stuff, something new for Mumbai industry and the film industry to look at. So you guys should definitely wait for it, and it'll be great. Thank you so much. Hi. Starting with originals, we have so much of recreation and remixes happening. What are your thoughts? Yeah, I think it's a great idea, great initiative, and Apeksha Music. Aajkal ek singles ka daur phir se lord aaya hai, lord down hai, gaane ka bhi naam hai. और वैसे मुझे इतना उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन आमिर जो इंजीनियर हैं और बहुत सालों से उनके साथ मैंने बहुत हिमेश जी के बहुत सारे गाने के इंजीनियर रहे हैं, तो एक बहुत पुरानी ताल्लुकात थी, और आमिर ने गाना सुनाया तो मुझे गाना बहुत पसंद आया. और आजकल वैसे भी थोड़े से दिल जले दुखी गानों का एक दौर चल रहा है. मैं कभी दुखी गाने का बहुत ही कम मुझे मौके अवसर मिले थे, तो मैंने कहा कि दुखी गाना भी गाकर एक मज़ा लेता हूँ. दुख का भी मज़ा एक अलग होता है ना, तो उस मज़े को लेने के लिए गाना गाया, और बहुत अच्छा उन्होंने कंपोज किया है, और सर ने अभी प्रॉमिस किया है बहुत खूबसूरत वीडियो बनेगी इसकी, और बहुत अच्छा लोग देखेंगे, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. तो इसी उम्मीद के साथ मैंने भी गाना गा दिया, और आगे यही अपेक्षा करते हैं कि सबको बहुत पसंद आएगा. वर्ड्स पल पल हर पल मेरा तुझको. एक सेकंड. मुझे लिरिक्स तो भेजे थे. हाँ देखिए आप ही का मिल गया. पल पल हर पल सोचूं तुझको, होके जुदा ना हुआ. तू ही तो रहता है मुझ में, और मुझ में मैं ना रहा. जो हुआ भूल से जाओ ना, लौट आओ ना, लौट आओ ना, लौट आओ ना. दिल रो रहा आज. ही गाना गाना यहाँ आने के पीछे एक और मकसद ये भी है कि आज रफ़ी साहब के 19वीं बरसी है, और उनकी जब भी हम गाने सुनते हैं, उनके जब भी बारे में सोचते हैं, तो दिल में यही बात आती है कि लौट आओ ना. और तो कहीं ना कहीं सॉन्ग इज ऑल्सो फॉर रफ़ी साहब. यही गाना वैसे मेरे पिताजी ने एक गाना निदा फाजली साहब ने लिखा था पिताजी के सरबंध में, शायद फिल्म में रफ़ी साहब वन ऑफ हिज फ्यू लास्ट सॉन्ग्स 1980 वी रिकॉर्ड द सॉन्ग. सो खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ,
जो मुरझाऊंगा जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा मैं आ जाऊंगा खुशबू मैं। तरुण साहब की आवाज़ उनकी गायकी ऐसी चीज़ है कि जब भी उन्हें याद करें वो आ जाएंगे। तो सो सॉन्ग एक्चुअली उनकी बरसी पर कई लोग गाते हैं, तो ये मौका मिला आज यहाँ आपके सामने इस गाने को गाकर। और ऑफ कोर्स लौट आना भी हम ज़रूर चाहेंगे कि जो गाने उन्होंने गाए हैं उनकी वो मेलोडीज़, उनकी वो आवाज़, वो सोच फिर से आ जाए। एंड आई एम माय बेस्ट विशेस विद अपेक्षा म्यूजिक दैट दे प्रमोट मेलोडियस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड काम भी किया है अपेक्षा फिल्म्स के साथ में। अजय जसवाल जी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके पहले जो दूसरी चीज़ें आई थी वह एंटरटेनमेंट की वो बहुत अच्छी थी। अभी म्यूज़िक शुरू हुआ है और मैंने कुछ गाने सुने भी हैं, बहुत सुरीले गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। पर आज के दौर के सभी अच्छे सिंगर्स जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत मधुर है, उनने सब गाए हैं, एक एक करके आपके सामने आ भी रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं अपेक्षा म्यूज़िक के लिए कि जैसे बाकी के प्रोजेक्ट बहुत ऊपर गए, लोगों ने पसंद किया, ये भी लोग उतना ही पसंद करेंगे और अच्छा काम करने का आगे मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्साइटेड हूँ कि इतने बड़े मंच पे खड़ा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद ये मौका आया फिर से कि एक बार आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और अच्छा गाना बनाया है, कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए। यस ऑफ कोर्स, ये मेरा काम है, मेरा जॉब है, तो मैं तो ज़िंदगी इसी के लिए यही करना है। थैंक यू सर। म्यूजिक वेयर देयर सो मच ऑफ रीक्रिएशन रीमिक्सेस। हां, एक कंपनी जो ओरिजिनल म्यूजिक लेकर आ रही है और 20 सॉन्ग्स रेडी करके आ गई है, अजय जी एंड अपेक्षा फादर डॉटर, व्हाट डू हैव टू से? पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी था। इट वॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई ऐसे लोग आए जो ओरिजिनल्स, और ये पारुल जी ने बताया कि विथ 20 सॉन्ग्स इज दे आर लॉन्चिंग दिस एवरी वीक दे आर लॉन्चिंग वन सॉन्ग। तो मेरी तरफ से अपेक्षा फिल्म्स और इस म्यूज़िक कंपनी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और सर मैं ये आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है सब अपनी कंपनियाँ हैं कि रीमिक्स, आजकल फिल्म में म्यूज़िक ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि ओरिजिनल म्यूज़िक उनको लगता है कि बन ही नहीं रहा है। और फिल्म का म्यूज़िक जब पुराने गाने, जैसे अभी मेरा एक गाना था ये खबर छपवा दो अखबार में, वो लुका छुपी में आया जी जी, तो मुझे ऐसा लगा वैसे वो इतना अच्छा रिकॉर्डेड था उसको और वो करके, लेकिन चलो फिर भी वो इतना अच्छा गाना था चल गया वो। लेकिन हाँ, लेकिन ओरिजिनल्स परसों मैं रेडियो पे था आकाशवाणी पे, तो ये बात चल रही थी कि आप ओरिजिनल्स और ये इसमें क्या समझते हैं, और कुछ नए आर्टिस्टों के फोन्स आ रहे थे कि सर हम क्या करें म्यूज़िक डायरेक्टर्स के। मैं बोला अभी जो प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया ये डिजिटल मीडिया कि मैं बोला आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, यू लॉन्च योर म्यूज़िक ऑन योर चैनल। और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, और दिलीप सेन, समीर सेन और मेरा बेटा सुहेल सेन हमेशा इनके साथ हैं, जब भी ये याद करेंगे। और ऐसी कंपनियों के लिए मैं नहीं, पूरी इंडस्ट्री के जितने म्यूजिक फैटर्निटी है, दे ऑल विथ यू सर। थैंक यू सर। अब सबसे पहले तो मैं अपेक्षा म्यूजिक कंपनी को जो सर लॉन्च हो रही है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और एक ऐसे टाइम पे
अपेक्षा ने डिसाइड किया कि अपना बैनर लॉन्च करेंगे जिसमें इसके अंडर म्यूज़िक बनाएंगे, क्योंकि आजकल इंडिविजुअल्स के लिए इतना इजी नहीं रहा, मुश्किल काम है, फिर भी उनकी सोच को मैं वेलकम सोच है उनकी, तो मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं बैनर को। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपेक्षा बैनर के अंदर अच्छा म्यूज़िक बनेगा और लोगों तक पहुँचेगा। हाँ जी, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप दैट दे हैव टेकन एंड इट्स रियली अमेजिंग दैट दे आर गोना हेल्प फाइंड अ लॉट ऑफ टैलेंट व्हिच इज गोना हेल्प द इंडस्ट्री इवेंचुअली एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर यू। थैंक यू सो मच। आइए हो गया या जी सर आएगा। आइए I won't speak about the trend of the music, but obviously music has come to a new high, I feel. And there's lots of different avenues. There's not only film music, but different music of different genres and different outlets for music, which is wonderful. And Apeksha Music is most welcome to join the bandwagon and help create more music and find more new talents and new songs. It's always wonderful, and it's a very lucrative business and opportunity for now, for music. Now more than ever before, I feel the music has grown to a different level. There's a different level of revenue generation that is happening. And it's only fair that, more companies like Apeksha come forward to, garner more new talent. There's no dearth of talent in our country. And I'm very happy and I wish them all the best. And all my good wishes. ये तो गाते अच्छा नहीं, ये तो परफॉर्म भी कमाल करते हैं, दोनों में इनका जवाब ही नहीं। इनका मैंने देखा नहीं, मगर इनको मैंने देखा है परफॉर्म करते वक्त, और बहुत अच्छे कलाकार हैं और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाते भी बहुत अच्छा है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सॉन्ग्स कमिंग अप, मुझे भी भेजना है, एंड माय ब्लेसिंग्स ऑन गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। मतलब क्वाइट ओवरवेलमिंग है, क्योंकि इतना ट्रस्ट जब कोई आर्टिस्ट पे कोई दिखा रहा है और काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी हाई होती है लोगों की। और जब भी कुछ करते हैं तो फुल ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंड इट्स रियली अमेजिंग टू बी इन सच गुड कंपनी एज शाहिद हिमसेल्फ, सो जस्ट हैप्पी टू बी हियर। भैया नकाशी बहुत ही कमाल सिंगर परफॉर्मर है और अच्छे इंसान है, और अपेक्षा हमारे साथ खड़ी हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, ये अपेक्षाएं इसका मतलब वो है, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट एक्जेक्टली। और अजय जसवाल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हमें अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए चुना, हमें लगता है कि हम अच्छा गाते हैं और अच्छा गाने की हमारी अभी जिम्मेदारी और बन रही है, तो वी आर रियली ओवरहम्ड एंड इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम बहुत बहुत कामना करते हैं। I am super happy and I'm super excited, and I'm very thankful that they came over here, and they are wonderful singers, and I listen to all their songs, so mere liye to bahut hi achhi baat hai, but yes, I'm really happy that they're over here, and they started, in fact we launched our music with their songs, so thank you. मैं, मेरे लिए फैमिली है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये बच्ची हमारी बच्ची है। आई एम वेरी हैप्पी कि इनके नाम से ये
लेबल लॉन्च हो रहा है, बहुत खूबसूरत गाने किए हैं, मैंने सारे गाने सुने, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और गाने बहुत कैची हैं. आई रियली होप एंड प्रे एंड आई नो कि ये गाने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एंड अपेक्षा म्यूजिक इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉप वन. I was so excited to see him as soon as he entered. I was like, hi, I'm truly happy. Thank you so much for coming. And yeah, it's a pleasure to have him here. He has always been with us since the beginning. So he's family. Thank you. सबसे पहले तो मैं अपेक्षा म्यूजिक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि वो ऐसे ही प्रोजेक्ट लाते रहें और हम सब देखते रहें और ये इनका प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेस रहे. थैंक्स फॉर इनविटेशन. सहजाद जी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वुड लाइक टू टेल अपेक्षा बीइंग सो यंग एंड लॉन्चिंग अ म्यूजिक कंपनी इज रियली हैट्स ऑफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट. And looking forward for more good music. I think you're coming out with 18 songs. Yes, also. That's right. Yes, and now you're launching 4 songs. That's really good to hear. And in the beginning of the launch, yeah. All the best for the future. Thank you. Yes. Thank you. Music company launch is सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका नाम से कंपनी लॉन्च हो रही जा रही है आज अपेक्षा. इट्स अ ब्यूटीफुल नेम और ये म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि म्यूज़िक कंपनीज होनी चाहिए जो कि हमारा जो संस्कार है, जो हमारे कल्चर हैं और जो हमारा म्यूज़िक है, हमारी जो म्यूज़िक की सभ्यता है, खास करके जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है वो बहुत बड़ा है. तो इस चीज़ के लिए मैं इनके पिताजी को और अपेक्षा जी को बहुत दिल से शुभकामनाएँ देता हूँ. और इस अपेक्षा इस नाम से इस म्यूज़िक के जो लेवल आज जो बन रहा है, आज कंपनी फॉर्म हो रही है और लॉन्च होने जा रही है, इसमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो बहुत डिज़र्विंग हों और किसी रीज़न से उनको कभी वो मंच नहीं मिल पाया शायद. और जितने भी जो हमारे गुणी कलाकार हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कंपनी को और इस म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट करें क्योंकि वी नीड गुड म्यूज़िक. मेरी दिल से शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं और अपेक्षा बहुत बहुत अपना एक नाम बनाए, ये म्यूज़िक लेवल अपना ऐसा नाम बनाए इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे संसार में कि लोग वेट करें कि इस लेवल से कोई अच्छा म्यूज़िक कब सुनने को मिलेगा, ऐसा इंतज़ार हो. जैसे एक टाइम पे हम इंतज़ार करते थे HMV से जब कैसेट वगैरह जब रिलीज़ होते थे, उसको लॉन्ग प्ले कहते थे, वो रिलीज़ हुआ करते थे, फिर उसके बाद कैसेट आया, फिर CD. तो यही दिल से दुआ है कि बहुत अच्छा करे काम अपेक्षा म्यूज़िक और हम सब इसके साथ जुड़े रहें और जितने म्यूज़िक के जितने भी जो फ्रेटर्निटी के हमारे जो अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे लिरिसिस्ट हैं, वो सब इसके साथ जुड़े और इस कंपनी को और आगे बढ़ाएँ. थैंक यू सो वेरी मच. तो रहा है अपेक्षा म्यूज़िक एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज देर आर वेरी लेस प्लेयर्स इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड नाउ वन मोर अपेक्षा नेटवर्क, अपेक्षा म्यूजिक, अपेक्षा फिल्म. सो किसकी अपेक्षा है, अच्छे अच्छे काम करेंगे अभी आ गया ना. थैंक यू जी. इट्स गुड. और अभी तो क्या है कि म्यूजिक का एक अलग ही डायमेंशन, अलग ही मतलब कि जो सोलो म्यूजिक जो पहले हम लोग पॉप कल्चर जो हम लोग करते थे वो अभी फिर स्टार्ट हुआ है. एवरीबडी डूइंग इंडिविजुअल म्यूजिक, तो अच्छा है. इट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल. दिस इज योर म्यूजिक चैनल. इट्स अ चैनल, म्यूजिक चैनल. ओरिजिनल सॉन्ग ऑलवेज वर्क क्योंकि हम जब पहले सुनते थे 90s में जो गाने आते थे जैसे सिल्क रूट के गाने, रेमो के गाने, तो हम लोग हर समय कनेक्टेड थे. और अभी फिर ये वो चीज़ हो रही है, ऑल बिग आर्टिस्ट आर डूइंग देयर सोलोज, तो अच्छा. इट्स गुड, गुड टाइम फॉर म्यूजिक. थैंक यू. मैं तो दिल से चाहती हूँ कि नए नए लोग आना चाहिए क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ पुराने लोगों के गाने सुन सुन के. आप थोड़ा चेंज आना चाहिए. जैसे खान है, खान बरसों से चल रहे हैं, अब नए खान को आना चाहिए.
ठीक है, तो मतलब नए म्यूजिक कंपोजर्स आना चाहिए, नए गाने गाने वाले आना चाहिए, तो अब नई चीज़ें आना चाहिए। वैसे भी 2020 आने वाला है, तो 2020 में नए लोग आना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं वैसे दिखती तो बड़ी तड़कती भड़कती हूँ, लेकिन आई लव सूफ़ी सॉन्ग। मुझे नुसरत साहब के गाने बहुत पसंद हैं, जैसा कि आपने देखा होगा मेरा रश के कमर जो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। तो बस यही बोल सकती हूँ कि शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देख कर उसने साकिब पिघल ही गया। थैंक यू सो मच। गुड विशेज है अपेक्षा के लिए, और क्योंकि बात म्यूज़िक की है तो म्यूज़िक के लिए मैं हमेशा मैं जहाँ भी म्यूज़िक की बात होती मैं वहाँ होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक आप लोगों तक लाएं। और जहाँ तक अब तक जो गाने मैं देख रहा हूँ, शान, कुणाल, शाहिद माल्या, तो अच्छे सिंगर्स इस कंपनी में गा रहे हैं, और आई होप कि बहुत जल्दी मैं भी गाऊँगा। यस डेफिनेटली। मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I really wish them, first of all, foremost, I really wish them all the very best for the endeavor they have entered into. The name Apeksha itself indicates that probably they will live up to the expectations of the masses for sure. Shan being there around, he's a wonderful human being, a great singer. Jitni tarif karun, utni kam hai. But yes, I really look forward for doing, or rather looking forward for them to do wonders in the music fraternity. Gandhi.